नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को घायल कर दिया था। इस पूरे ही मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तकरीबन विभिन्न तहत जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में जब खुलासा किया गया तो प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। पूरा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक गाड़ी पर एक युवक किसी काम से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से बाइक सवार कुछ लोगों ने खींची मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो वहीं जब पुलिस ने इस पूरे मामले में बयान लिए तो फरियादी ने भी किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने फरियादी के पास मौजूद विभिन्न मोबाइल नंबरों के साथ ही अलग अलग तरह से जाँच पड़ताल शुरू की। इस दौरान फरियादी के मोबाइल नंबर की जब पुलिस ने जाँच पड़ताल की तो उसमें एक युवती के बारे में जानकारी लगी और जब पूरे मामले में मॉनिटरिंग की गई तो युवती के भाई ने ही युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था। तो वहीं पूरा ही मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित है। वहीं युवक और युवती दोनों अलग अलग समाज से जुड़े हुए थे, जिसके चलते युवती के परिजन युवक पर काफ़ी नाराज थे और इसी के चलते उसे रास्ते से हटाने के लिए युवती के छोटे भाई ने उस पर हमला कर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। इस दौरान युवक गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया और पूरे मामले में पुलिस ने जांच करते हुए खुलासा कर दिया। पुलिस को जो जानकारी मिली थी यूनिक अस्पताल के माध्यम से, वहां पर पता चला था जो फरियादी थे मयंक, उनको गंभीर हालत में, चोटिल हालत में उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ पर केची का एक सिरा उनकी पीठ में घुपा हुआ था। उनके ऑपरेशन के बाद जब वो अगले दिन बयान देने की हालत में हुए तो उनसे बयान लेकर उन्होंने बताया कि घटनाक्रम इस प्रकार था कि वो प्रतीक सेतु से जा रहे थे, एमरल्ड हाई स्कूल की तरफ से प्रतीक सेतु होते हुए बाहर जा रहे थे, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पे एक अज्ञात व्यक्ति आया जिसको वो देखकर पहचानने की उस समय उनके पास थी और उसने पीठ पे उनको केची मारी और केची मार के वो चला गया। इसके बाद पुलिस ने इसकी तस्दीक शुरू की क्योंकि जहाँ पर घटनास्थल था वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, इसलिए काफ़ी मुश्किलें आईं। पर हमने जो फरियादी थे उनका पूरा रूट जो है वो बैक ट्रेस करना शुरू किया। उनके मोबाइल पे जितने भी कॉल्स आए थे या उनके मोबाइल के आसपास जितने भी जो टावर्स थे उन सभी का हमने PSTN डेटा उठाया और वहाँ पर जो फोन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्टिव रहे उनको ट्रैक करना शुरू किया। इसमें यह भी देखा कि जो फरियादी है उनके मोबाइल में जिनसे भी बातचीत हुई है उनमें से कितने नंबर के कॉमन नंबर्स इसमें मैच कर रहे हैं। तो उसमें पता चला कि हमें एक पहली CCTV फुटेज मिली जो कि एमरल्ड हाई स्कूल के पास की थी, जहां पर फरियादी के पीछे पीछे एक गाड़ी आती हुई दिखी थी। और फिर जब हमने उस को वापस पूरा ट्रैक करना शुरू किया तो कॉल डिटेल्स के माध्यम से भी वही नंबर मैच होना शुरू हुआ। तो उसमें पता चला कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। जो फरियादी हैं उनकी एक महिला के साथ संबंध थे और जो आरोपी है इसमें ये उस महिला का ही छोटा भाई है और अलग अलग समाज से होने के चक्कर में उनके परिवार में हमेशा से इनके रिश्ते को लेकर एक मनमुटाव सा रहा है कि दोनों अलग समाज से आते हैं, तो उनके परिवार में हमेशा से नाराज़गी थी इस चीज़ को लेकर और इसी के चलते उनके भाई के द्वारा उनको उन पर हत्या का प्रयास किया गया था। भाई जो है उनका वो बाल अपचारी है तो उसको बाल न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें जो फरियादी के मोबाइल फ़ोन्स थे उसमें करीबन 63 नंबर्स ऐसे थे जिनके हमने बैक ट्रैक करना शुरू किया था कि ये कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो फरियादी के साथ रूट रूट में सेम जिनके डिटेल्स आए हैं। तो उसमें करीबन 26 से 27 नंबर ऐसे थे जो साइबर सेल के माध्यम से पता चले थे जो सिमिलर उसमें आए हैं। पर जो फुटेज वाली घटनास्थल है वहाँ पर जो फ़ोन चले थे वो तीन ही फ़ोन थे और उसमें से क्योंकि CDR से मैच करने पे एक ही नंबर मिला था तो उसके बाद से एग्जैक्टली क्लियर हुआ। और जब पूछा भी गया घटनाक्रम के बारे में तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया, उससे पूरा घटनाक्रम रिक्रिएट करवा के देखा गया बाल अपचारी से और उसने फिर पूरा घटनास्थल जिस हिसाब से बताया कि यहाँ से चले थे, यहाँ पर रुके, यहाँ पर देखा गया, तो वो सारी चीज़ें जब मैच हुई उसके बाद ही फिर उसमें उसको न्यायालय में पेश किया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।